दोस्तों बिग बॉस ऑलरेडी के घर के अंदर फुकरा इंसान ने पिछले 27 दिनों में अपने फैंस का दिल जीता था, लेकिन कुछ मिनटों के अंदर ही फुकरा इंसान ने सारे के सारे फैंस का दिल एक बार में ही तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, घर के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर जिया शंकर फलकनाज यहां पर फुकरा इंसान के सामने एलविश यादव का मजाक उड़ा रहे थे, और इस दौरान एलविश यादव ने यहां पर जिया शंकर और फलकनाज को रोकने के बजाय उनके साथ हंसना शुरू कर दिया। जबकि दोस्तों यहां पर एलविश यादव भी एक कंटेस्टेंट के तौर पर आज आए थे, और बेबिका ने आज घर के अंदर उनके सामने कई बार फुकरा इंसान की बुराई करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर फुकरा इंसान का स्टैंड लेते हुए एलविश भाई ने बेबिका का मुंह बंद करवा दिया था। उनकी एक भी नहीं सुनी, और हर बार वो फुकरा इंसान की बेबिका के सामने तारीफ कर रहे थे और कहते कि फुकरा के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा, उसके बारे में मेरे सामने उल्टा सीधा मत बोलियो। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर फुकरा इंसान ने जिया शंकर और फलकनाज के सामने एलविश यादव का मजाक उड़ाया, जो कि फैंस को काफी निराश कर गया, और यही वजह है कि फुकरा इंसान ने कुछ ही मिनटों में अपने फैंस का दिल तोड़ दिया। इस समय सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर फैंस फुकरा इंसान की हरकत पर काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। सब लोग फुकरा इंसान को दोगला बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फुकरा इंसान की इस हरकत ने वाकई हर किसी का दिल तोड़ा है। देखिए दोस्तों, दूसरी ओर एलविश यादव ने फुकरा इंसान के घर वालों के सामने तारीफ कर करके करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन जिस तरीके से फुकरा इंसान ने एलविश यादव का आधी रात के समय मजाक उड़ाया है वो सरासर काफी गलत हरकत है। आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है कहना, आप हमें अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। यदि आप भी एलविश यादव के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिग बॉस की हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।